अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिबा व्लॉग में। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी। तो मैं लेकर आई हूँ देसी स्टाइल का मटन कोरमा। जो कि बहुत ही मज़ेदार सा लगता है देसी स्टाइल में बनाते हैं। तो चलिए हम झटपट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जिस बर्तन में बनाऊंगी वो मैंने बर्तन ले लिया है। और मैंने यहाँ पे बफेलो मीट लिया है 2 किलो के आसपास। तो सारे हमें मीट को इसमें डाल लेना है बड़े बर्तन में। मैंने इसे वॉश करके रख दिया था पहले ही। सारे को ही इसमें डाल लेना है अच्छे से फैला के, क्योंकि मैं यहाँ पे देसी स्टाइल से बना रही हूँ। तो आप पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 250 ग्राम प्याज को कट कर लिया है, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। दो चीज में ही पूरा बर्तन यहाँ पे मेरा भर चुका है। 3 से 4 गांठ मैंने यहाँ पे लहसुन की ली थी, जो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। धनिया पत्ती इसमें ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े टुकड़ों में मिर्ची कट कर लिए 5 से 6, वो भी कढ़ाई में डाल लेना है। एक टमाटर भी मैंने इसमें कट करके डाल दिया है। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे दही लिया है, जिसको अच्छे से फेंट के मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। दही से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा स्वाद आता है, तो इसलिए दही को जरूर डालना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोरमा अच्छा नहीं बनेगा। नमक डाल लूंगी मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा सब्जी बना रही हूँ, तो उस हिसाब से आप नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल लिया है। धनिया पाउडर मैं 6 से 7 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर भी मैं यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून इसमें डाल लूंगी, जितना कि हमें तीखी रखनी है उस हिसाब से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। टर्मरिक पाउडर मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, स्टार फूल के टुकड़े, शाही जीरा, काली मिर्च, लौंग सब इसमें डाल लूंगी मैं यहाँ पे। जितनी क्वांटिटी में डालनी है मैं उस हिसाब से ही इसमें डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल, जो कि मैंने 250 ग्राम लिया है, वो इसमें मैं डाल दूंगी पूरा ही। तो चलिए हम इसे गैस पे रख देते हैं और गैस का फ्लेम कर देना है पूरा फुल। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है ये मीट के पानी में, और जो हमने दही डाला है ये उसमें ही पकेगा, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं ऐड करना है।
और क्योंकि मैं इसे खुले बर्तन में बना रही हूँ, कुकर में नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे बनाने में 1.5-2 घंटे लग जाने हैं। अगर आप कुकर में बनाओगे तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे के में ही आपकी या 45 मिनट में ही आपकी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं देसी स्टाइल में दिखा रही हूँ आपको, बनाना बता रही हूँ, इसलिए आपको मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है लगेगा। चलिए मैंने मिक्स कर लिए, तो अब मैं इसे कर दूँगी कवर। कवर करना है हमें 10-10 मिनट के लिए, ऐसे ही कवर कर देना है, बीच बीच में चेक कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी चीज़ ऐड करनी नहीं है। देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और हमारे जो लहसुन प्याज थे वो अच्छे से गलना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। बीच बीच में हम ऐसे ही चेक करते रहना है, नहीं तो हमारा मसाला जो बर्तन के लगना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए इसमें ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया है। देखिए इसमें ऑयल आना शुरू हो गया है, यानी हमारा मसाला भुनने लग गया है, क्योंकि जब ऑयल छोड़ देता है मसाला ऊपर तो आप समझ जाइए कि हमारा मसाला भुन चुका है। तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि अब मसाला बर्तन के नीचे लगना भी स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए पानी ऐड करते रहना है और गर्म पानी ही ऐड करना है ताकि झटपट से जो भी हमारी सब्जी बना रहे हैं हम वो अच्छे से झटपट से गल जाए। चलिए इसको कर देंगे कवर और इसके ऊपर डाल देंगे हम पानी ताकि पानी हमारा गर्म हो जाए। मैं वैसे हर सब्जी में आपको ऐसे ही दिखाती हूँ, मैं पानी इसको ढक्कन के ऊपर ही डाल देती हूँ क्योंकि हमें अलग से करना भी नहीं पड़ता। जितनी मैंने आपको सब्जी ये नॉन वेज की बताई है बनाना, वो मैंने ऊपर से ही जैसे ढक्कन के ऊपर ही मैं पानी इसमें डाल देती हूँ, सब सब्जी में मैंने ऐसे ही बताई है आपको। मैं अलग से कभी भी पानी गर्म नहीं करती हूँ और ये पानी जो गर्म रहता है वो हमें सब्जी में ही डालना होता है, इसलिए मैं हाथों हाथ इसको डाल भी देती हूँ। हमारी सब्जी को बनते हुए यहाँ पे 1 से 1.25 घंटा हो चुका है और ये थोड़ी सी सीज भी चुकी है।
और इसमें अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, बहुत ही मजेदार सी, और खुशबू पता नहीं बाहर बाहर तक जा रही है। फिर से वही मैं काम कर रही हूँ, पानी डाल लेगा। देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है, यानी अरे हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, हमारे जी मीट के पीस है वो भी अच्छे से गल चुके हैं। और हमें यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया है बनाते बनाते। देखिए बर्तन के पूरा मसाला लगना स्टार्ट हो गया है, मैं दिखा देती हूँ आपको तोड़ के। देखिए अच्छे से गल चुकी है, बिल्कुल ही जैसे हमें चाहिए वैसी गल चुकी है, यानी हमारी यहाँ पे सब्जी बनने ही वाली है। मैंने यहाँ पे हमें जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पे इसे गाढ़ी ही बनाऊंगी, गाढ़ी ही ग्रेवी इसकी रखने वाली हूँ। तो चलिए इसको हम ऐसे ही बना लेंगे धीमी आंच में मीडियम लो पे, और फिर मैं आपको डायरेक्ट इसे सर्व करके ही बताऊंगी। 10 मिनट के लिए ऐसे ही बना लेना है। तो हमारी यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी मैंने यहाँ पे सर्व कर ली है। देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है और खाने में भी इतनी मज़ेदार सी लगी है। तो आप भी बनाइएगा ज़रूर, अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी जो मैंने देसी स्टाइल में बनाई है? आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो मेरे चैनल पे नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मैं फिर मिलूंगी एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।